कांग्रेस सीनियर कायद और साबिक कारपोरेटर जी वेंगल राव की जानिब से हल्के असम्बली कोकटपल्ली में रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हल्के असम्बली कोकटपल्ली के रोजेदारों ने शिरकत की। इसके अलावा ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटी चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल, कांग्रेस कायद फेरोज खान, कांग्रेस तर्जमान सैयद निजाम मोहम्मद आसिफ, सैयद बशीर, अमीर अहमद, नंदू यादगिरी, पदमा राव, चुन्नू मियाँ, जनार्दन राव के अलावा हिंदू खवातीन ने भी शिरकत की। प्रशांत नगर जामे मस्जिद इमाम व खतीब मौलाना सूफी अब्दुल कय्यूम कादरी ने हिंदुस्तान में अमन अमान, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, इत्तेहाद और राहुल गांधी को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाने और जी वेंगल राव के लिए सेहत और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। इस दावत इफ्तार में हिंदू भाइयों ने रिश्तेदारों के साथ इफ्तार किया और एक मिसाल कायम की और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम दिया। बाद नमाज रिश्तेदारों के लिए ताम का एहतमाम किया गया। कांग्रेस कायद जी वेंगल राव ने फेरोज खान साहब, निज़ाम साहब, हमारा बशीर भाई, हमारा आसिफ खान, हमारा लोकल लीडर पूरा हमारा ये इफ्तार पार्टी का के हमारे को खुशी ये करे। ये बहुत अच्छा है दिन है, ये मैं रमजान के दिनों में ऐसा कार्यक्रम करना ये काम अच्छा है। ये काम जो है ना हिंदू मुस्लिम भाई और पूरा मिल के हर एक में शांति रहना, नजरे अच्छा रहना, अच्छा वालों अच्छा अच्छा अल्लाह अच्छा देना हर एक में ये होना बोल के ये महीना पूरा रोज़ा करके जिस दिन अच्छा अपन प्रार्थना करके देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए अपन अल्लाह को ये करते ये टाइम पे ये मौका हमारे मिलना अच्छा है। हम बच्चा हमारे शोरों से हम भाइयों से ये किस्मत है हमारा ये ईद पार्टी देने का। भगवान अल्लाह अच्छा छू देखना हमारे भी हमारे एक अच्छा दिन बोल के हमारा फंक्शन को सोहेल साहब पूरा ऐसे भी उन लोगों को मैं हमेशा ये देता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। एक तरफ से इफ्तार पार्टी का इस्तेमाल किया गया जी, फेरोज खान साहब, सैयद निज़ामुद्दीन साहब, अमीर साहब वो भी इसमें पर्सन है और सर्वे भाई की पूरी टीम, यादगिरी साहब, यादगिरी साहब, आमिर, साजी और रियाज, अशफाक साहब, ये सब कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स हैं यहाँ पर जो है इफ्तार का इत्माम में आए हैं। हम सब आपकी तरह हम सब जो है जितने लोग यहाँ आए हैं मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे छोटे छोटे इबादतों को कबूल फरमाए, हमको जो है आने वाले पूरे रोज़े पूरे अल्लाह से रहने आसानी फरमाए और हम सबको सेक्युलरिज्म को कायम रखने में आसानी फरमाए। सर यहाँ पे एक मुतहद देख रहा है ज़रा हिंदू मुसलमान मिलके है कि यहाँ कोकटपल्ली में ऐसा मंजर कभी भी नहीं देखा है, इसके बारे में देखिए हिंदुस्तान की जो हालत हुई हुई है तो हिंदू और मुसलमान समझ गया है कि मोदी और हमेशा हिंदुस्तान किस तरफ ले जा रहे हैं। तो हालात को देखते हुए और कोकटपल्ली खासतौर जो है एक पढ़ा लिखा इलाका है और बहुत जल्दी से जो है देख लिया है कि भाई आगे क्या हो सकता है हिंदुस्तान की हालत, उस वजह से जब ये जो हिंदू मुसलमान की एकता हुई है मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है हिंदुस्तान के आने वाले इलेक्शन में। शुक्रिया। आज कोकटपल्ली दावत इफ्तार, एक मिनट, आज दावत इफ्तार कोकटपल्ली में हमारे वेणुगोपाल साहब, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, जनार्दन साहब, हमारे आसिफ और तमाम हमारे दिग्गज नेता, हमारे सीनियर लीडर्स, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कितनी जगह आज एक गंगा जमुना तहजीब की आज मिसाल हमारे भाई साहब कायम करें। आज इतने बरकतें और मुबारक वाले महीने में एक गैर कौम होके दावत इफ्तार देना ये हिंदुस्तान की एक तहजीब है और इनकी मोहब्बत और इंसानियत को बयान करती है। इस्लाम इंसानियत का नाम है, उसके लिए अल्लाह बोल रहे मैं सारे आलम का हूँ, एक मज़हब से मुझको मत जोड़ो, मैं सारे आलम का हूँ। और हमारे वेंगल राव भाई के वैसे लोग जो सामने आकर मोहब्बत इंसानियत का एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करते, मैं वरंगल में था, सिर्फ वेणुगोपाल साहब कर रहे हैं बल्कि मैं वरंगल सॉरी माफ़ी चाहता हूँ वेंगल राव साहब कर रहे हैं बोल के मैं वरंगल से निकल के आया और मैं
اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ سب جنوں کی عبادتیں قبول فرمائیں، ہر ایک گھر میں صحت ہو، خوشیاں ہوں، برکت ہو، اور ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر بہت پریشان رہتے، اللہ ہر کسی کے بچے کے مستقبل کو بنائے، اور جس کے والد اور والدین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تکلیفوں کو آسان کرے، اور ہم سب کے دعائیں آپ قبول فرمائیں۔ اللہ حافظ، جے ہند۔